मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। घर में घुसकर मोबाइल चोरी की घटना सामने आई है, जबकि एक महिला घर में पानी भर रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पानी भरती हुई महिला की परछाई दिखाई दे रही है, मगर तभी दबे पांव चोर घर में अंदर आता है और दो मोबाइल लेकर फरार हो जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि परिवार ने बताया कि घर में चोरी हुई है, मगर उसके बावजूद मुंब्रा पुलिस ने अभी तक इनकी शिकायत नहीं ली और न ही किसी हवलदार कांस्टेबल को उनके घर जांच पड़ताल करने के लिए भेजा। ये चोरी की वारदात 20 सितंबर की शाम की है। संजय नगर के शहजाद टावर भगत सिंह चौक रूम नंबर 2 में परवेश और उनकी बीवी निशा रहते हैं। परवेश मोबाइल का रिपेयर का काम करते हैं घर के अंदर ही। जिस वक्त ये चोरी की वारदात हुई उस वक्त परवेश घर पर नहीं थे, उनकी बीवी निशा घर में अकेली थी और पाइप लगाकर ये पानी भर रही थी बाथरूम में। इसी दौरान दरवाजे पर एक चोर आता है और 2 से 3 बार ये झांकता है अंदर की तरफ। हालांकि इस चोर को एहसास हो जाता है कि घर में कोई है, उसके बावजूद भी धीरे धीरे दबे पैर घर में ये चोर घुस जाता है और मोबाइल फोन लेकर ये भाग जाता है। CCTV फुटेज के साथ निशा और उनके एक दोस्त सपना मुंब्रा पुलिस स्टेशन में चोरी की शिकायत दर्ज करवाने के लिए गई थी। उन्होंने बताया कि काफ़ी देर तक उन्हें दिखाया गया, इनसे चोरी हुई मोबाइल का IMEI नंबर मांगा गया, हालांकि ये नंबर इनके पास नहीं है। निशा ने बताया कि पुलिस का कहना है कि IMEI नंबर दोगे तभी कंप्लेन होगी। हालांकि घर के अंदर से ये चोरी हुई और इसकी CCTV फुटेज भी लोगों ने पुलिस को दिखाया, मगर उसके बावजूद भी कंप्लेन नहीं लिया गया है, ऐसा इनका कहना है। और घर में चोरी की वारदात की कोई पुलिसकर्मी अभी तक जांच करने भी नहीं आया है। वहीं निशा ने ये भी बताया कि शिकायत ना लेने की वजह से ऐसे चोरी करने वालों का हौसला बढ़ जाता है, अगर चोर उन पर हमला कर देता तो क्या होता। मुंब्रा पुलिस ने उनकी शिकायत नहीं ली, जिसकी वजह से ये काफ़ी नाराज़ हैं। और इस पूरे चोरी की वारदात पर निशा और उनकी दोस्त सपना ने क्या कुछ बताया है आपको सुना दें। क्या नाम है आपका? निशा। यहाँ पर चोरी की जो वारदात हुई है, मोबाइल जो है चोर लेके यहाँ से गया है, कैमरे में भी रिकॉर्ड हुआ है, ये चोरी की वारदात दरअसल कब की है और कितने बजे की है? 7:30 बजे की है। मैं पानी भर रही थी अंदर और वो चोर दबे पर आया और दोनों मोबाइल लेके चला गया और वो CCTV में भी कैद हो गया है, मतलब रिकॉर्ड हो गया है। और मैं पानी भर रही थी, मैं उसे देख नहीं पाई। पानी कहाँ भर रहे थे आप? अंदर बाथरूम में भर रही थी और मेरे पीछे से वो आया और मोबाइल लेकर चला गया और मैंने कंप्लेंट करने की कोशिश की, पर उन्होंने बोला कि EMI नंबर चाहिए। किसने? मोबाइल के। तो आपके घर से चोरी हुआ ना मोबाइल? घर के अंदर से? हाँ, मेरे घर से चोरी हुआ है शाम को 7:30 बजे। और उन्होंने पुलिस चौकी में गई थी तो वहाँ पे मेरी कंप्लेंट नहीं ली और उन्होंने बोला कि EMI नंबर चाहिए तभी कंप्लेंट दर्ज करेंगे। और पुलिस आई यहाँ पर कि नहीं आपके घर? पुलिस ने मेरी रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई और मेरी NC भी नहीं लिखवाई। मतलब घर में भी चोरी हुआ, हाँ, फिर भी नंबर मांग रहे हैं। मैंने उन लोगों को वीडियो भी बताया, चोर कैसे आया घर में, दबे पाव कैसे चोरी किया, सब किया उसने, पर वो लोग EMI नंबर ही मांग रहे, उससे कुछ हो सकता है। मैं इतना वीडियो दिखा रही हूँ उन लोगों को तो भी कुछ नहीं हुआ। कंप्लेन करने कौन गया था? आप गए थे? मैं और मेरी दोस्त गई थी सपना। आप गए थे? हाँ, मैं और मेरी फ्रेंड गई थी। कल हम लोग गए थे ऐसे 9:30 बजे, हम लोग 1/2 घंटा 1 घंटा बाहर वेट किए, फिर वो बोले कि पहले रुको, फिर हम लोग बहुत देर तक वेट किए, फिर उसके बाद में उन्होंने हमारा पूछे क्या हुआ क्या नहीं, तो हम उनको बताए तो वो बोले पहले तुम्हारी कुछ तो भी स्लिप पावती वगैरह या कुछ भी मोबाइल का डॉक्यूमेंट्स लगेगा ऐसा, तो हम लोग बोले क्या अभी हमारे पास वीडियो है उस आधार पर लो। अभी इनके हस्बैंड तो घर पे थे नहीं, फुटेज में चोर दिख रहा है। हाँ, चोर दिख रहा है, पूरा क्लियरली दिखाया, हमने वीडियो तक दिखाई पर वो वीडियो हमारा देख ही नहीं रहे। वो बोले तुम हमारे को सेंड करो, फिर हम हमारे कांटेक्ट में जो भी रहेगा हम
बताएंगे और आपको कुछ कंप्लेन वगैरह नहीं, कुछ भी नहीं लिए, डायरी में कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग कम से कम 11:30 तक बैठे, उन्होंने हम दोनों लेडीज को 11:30 तक बिठाए, फिर उसके बाद उन्होंने बोले मतलब रात में, हाँ रात में 11:30 तक बैठे हम लोग दोनों लेडीज और एक बच्चा मेरा, ये हम तीनों जन गए थे। तो फिर उन्होंने बोलेगा तुम वेट करो, कांस्टेबल भेजेंगे। हालांकि हम लोग बहुत देर तक बैठे 1 घंटा, फिर भी कांस्टेबल नहीं आया। तो फिर हम लोग दोनों आ गए घर, अभी 11:30-12 बज रहा है रात का, लेडीज बाहर रहेगी। अच्छा, तो अभी तक आज दोपहर हो गया, आप लोग कल कोई भी नहीं। हाँ, उन्होंने कॉल नंबर लिया है पर उन्होंने कॉन्टेक्ट भी नहीं किए। अच्छा, कॉन्टेक्ट भी नहीं हुआ, नहीं कुछ भी नहीं, कोई कांस्टेबल कोई भी नहीं, उन्होंने हमारा लिए ही नहीं केस। वो बोले कि तुम्हारा वो EMI नंबर लगेगा। आईबी नंबर मांग रहे, मतलब आईबी नंबर। हाँ, तो घर में से हुई है ना चोरी? घर में से चोरी हुई, हम भी बताए ना कि मेरी फ्रेंड पानी भर रही है, दरवाजा खुला था, उतने में वो पाइप डाला हुआ रहता है घर में से। हमारे इधर ऐसा सिस्टम है कि घर में से पाइप डालता है, तो पाइप डाला हुआ था, दरवाजा तो बंद नहीं करेंगे क्योंकि पाइप रहता है, तो उतने में वो चोरी हो गई। दबे पाव वो आया भी है, उसको लेडीज को भी देख रहा है कि वो क्या कर रही है, उतने में वो मोबाइल दो उठाया। अच्छा, फुटेज में दिख रहा है कि आप परछाई आपकी दिख रही है कि आप वहाँ पानी भर रहे, वो आपको देखते हुए यहाँ से। मैं अगर उसको पकड़ लेती और उसने मुझे कुछ कर दिया होता तो, या मेरा गले पे वार कर दिया हो, मुझ पे कुछ हमला कर दिया होता तो क्या करती मैं? और ये अकेली लेडी, और मैं अकेली थी और वो मुझे देख भी रहा है। अच्छा, आपने देखा था उसको? मुझे देखा है, मतलब दबे पाव देख रहा है मुझे। अगर मैंने उसे देख लिया, पकड़ लिया होता और मुझे कुछ हो जाता तो? अकेली थी घर में मैं, अकेली थी और मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। मेरे हस्बैंड कल काम से मलाड गए हुए थे और वो भी मोबाइल रिपेयरिंग का ही काम करते हैं। एक मेरा फोन था और एक कस्टमर का फोन। क्या नाम आपके हस्बैंड का? परवेश शेख। तो यानी कि अभी तक इस मामले में पुलिस ने कुछ भी नहीं शिकायत नहीं ली, कंप्लेंट ही नहीं ले रहे वो।